आपका सबसे पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपकी आवाज सुनने, यानी कि जनता इस बार चुनावों में किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेगी, ये जानने अपने सबसे लोकप्रिय शो कहता है वोटर को लेकर पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश की हरदा विधानसभा, जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है और काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल यहां से विधायक चुनकर आते हैं। इस बार हरदा विधानसभा के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, आइए चलते हैं जनता के पास और जनप्रतिनिधियों के पास। हरदा शहर की दिक्कत यह है कि स्कूल है जो मतलब प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूल में कोई मतलब कुछ काम नहीं हो रहा, बेशक बसा 50 सालों से पढ़ा हुआ है और जो बच्चे हैं गरीब लोगों के वो बेचारे 50 साल से ऐसे कैसे जा रहे हैं, छोटे बच्चे उनमें जाते हैं तो वही के वही पड़ा हुआ 50 सालों से। रोजगार की ठीक ठाक व्यवस्था हो जाए? अरे कहाँ की व्यवस्था हो रही, कोई व्यवस्था नहीं, परेशानी है। परेशानी है ना, सरकारी मदद वगैरह मिलती है? मिलती है ना, वो दो साल में देती सरकार मदद, 10,000 रुपये लोन देती है नगर पालिका से। उसको थोड़ा और बढ़ना चाहिए, उसको और बढ़ना चाहिए, कम से कम 50-1 होना चाहिए तो आदमी अपनी व्यवस्था करे। हरदा विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या है गांव में, जो अभी शराब बिक रही है, मैं तो शासन से निवेदन करता हूं कि अब किराना दुकान वालों को लाइसेंस दे दो, इससे तो क्यों राजस्व नुकसान करे सरकार का। हर गांव में किराना दुकान पे शराब बिक रही है, ठंडी बियर बिक रही है। यहां पे रोजगार की स्थिति बिल्कुल शून्य है, यहां का युवा पलायन कर रहा है, अन्य प्रदेशों में अन्य जिलों में जा रहा है, यहां पे युवा के लिए शून्य है युवा के लिए। और साथ ही साथ शिक्षा की स्थिति यह है कि यहां पे कृषि मंत्री होने के बावजूद भी कृषि कॉलेज नहीं है, ना लॉ कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्लस शिक्षा में भी स्तर बहुत हरदा का नीचे गिरता जा रहा है। विकास तो हो रहा है लेकिन विकास के नाम पे कितने लोगों का विनाश किया है, ये पूरे आंकड़े मैं आपको देता हूँ। कूड़ा जो कि वार्ड क्रमांक 35 है, हरदा शहर में आता है, यहाँ की ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है। जो ज़मीन यहाँ अधिग्रहण किया गया है, जितनी ज़मीन की रजिस्ट्री आपको 93,000 रुपये लग रही है, यानी जितनी जमीन में लेता उसके 93,000 रजिस्ट्री लग रही है, उस जमीन की कीमत सरकार ने 87,000 रखी। तो चलिए, चूंकि यहाँ पे लंबे समय से कांग्रेस जो है वो विपक्ष में रही है, हालांकि 2013 का जो विधानसभा चुनाव जीते थे डॉक्टर आर के दोगने, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2013 के चुनाव में जीत मिली ना उसके पहले मिली थी और बाद में भी स्थिति वैसे ही, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, आपने देखा है भाजपा ने कोई विकास नहीं किया और विकास नहीं करने के कारण यहाँ लोगों ने वोट नहीं दिए थे 13 में भी, और बीच में भी कोई बड़ा भारी अंतर नहीं आया है कि कोई बड़े भारी अंतर से जीते हैं। कांग्रेस मजबूत है, आने वाले समय में कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि विकास कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ देखें, मॉडल कॉलेज आया हुआ पड़ा है, मॉडल कॉलेज खुल नहीं पा रहा है, इनसे बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। सेंट्रल स्कूल पड़ा है, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। रोडों की समस्या देखें, अभी आप देखोगे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में तो नालियाँ भरी हुई पड़ी मिलेंगी आपको। तो विकास की सिर्फ बात करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, जमीन पर कोई विकास नहीं है। तो निश्चित है 2023 में कांग्रेस आएगी, भाजपा को हरदा तो हराएंगे ही, इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में भी हराएंगे। ठीक है, चलिए सर, जवाब लेते हैं इस बात पे। सर, 2013 का जो कांग्रेस का सूखा है, 10 साल हो गए हैं, कह रहे हैं 23 में वापसी कर लेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। यदि 2013 में उन्होंने कुछ किया होता तो 2018 में वापस आई जाते, ये तो संभव नहीं कांग्रेस यहाँ कभी आए, क्योंकि यहाँ की जनता आज कमल पटेल जी यहाँ पे लगभग 30 सालों से नेतृत्व कर रहे हैं। और जो विकास की बात है, अभी ऐसा पूर्व विधायक जी ने कहा कि मॉडल कॉलेज आया हुआ पड़ा हुआ है, आप अभी चलिए मॉडल कॉलेज की बिल्डिंग का काम चल रहा है और बड़े तीव्र गति से चल रहा है, आने वाले समय में बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और मॉडल कॉलेज चालू हो जाएगा। रही हरदा शहर की सड़कों की बात कर रहे हैं, हरदा सड़कों में अभी आप देख रहे हैं कायाकल्प योजना के माध्यम से प्रत्येक गली गली में डामर बिछने वाला है और काम चल ही रहा है। हरदा क्षेत्र कमल पटेल जी के नेतृत्व में एक पर्याय बना है विकास का और एक मॉडल बना है, और कांग्रेस तो भूल जाए,
कई भविष्य में यहाँ वो विधायक बनेंगे और कई मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनेगी। आप आम आदमी पार्टी से आते हैं, आम आदमी पार्टी का क्या रुख है इस विधानसभा चुनाव में हरदा की अगर बात करें? आम आदमी पार्टी साल भर पहले मात्र यहाँ पे 10 कार्यकर्ता थे, लेकिन वर्तमान की स्थिति में करीब 3000 के करीब हम लोग कार्यकर्ता पहुँच गए और बहुत तेजी से लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो मध्यम वर्ग है और जो निर्धन वर्ग है, उनका भाजपा कांग्रेस दोनों पर से भरोसा उठ चुका है और वो आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। इस बार हमारी भूमिका बहुत अहम रहेगी यहाँ पे। क्यों शिक्षा के अभी तक इतना बड़ा कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, कृषि महाविद्यालय की यहाँ पर स्थापना नहीं हो पाई, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है? कांग्रेस के नेता जो हमारे मित्र हैं, शिक्षा का स्तर पूरे मध्य प्रदेश में, चूंकि वो क्या देखते हैं कि सिर्फ यही घूम रहे हैं, है ना। वृहद स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा की जो अलग जगाई है, देश में जो आईटी के सेक्टर में यहाँ के बच्चे हैं, आज उनको पता नहीं, हमारे मित्रों को, कि हरदा से आईटी सेक्टर में जितने पूरे मध्य प्रदेश में होगा उससे घनत्व, जो सर्वाधिक घनत्व आईटी के सेक्टर में, जो आधुनिक शिक्षा है उसमें जा रहे हैं बच्चे, आईआईटी में जा रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे जा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ संसाधनों को जुटा देने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा, इन्होंने बिल्डिंग बनाई होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार में थे। आपने जो शब्द लिए कि बहुत लंबे समय से विपक्ष में है, कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में नहीं है, लंबे समय पे हरदा में सत्ता में रही है कांग्रेस। इसके लिए मेरा आरोप इन पे है कि लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया, बिल्डिंगें बनाने वाला जो तथ्य है, इन्होंने दो चार बिल्डिंग बनाई होगी निश्चित तौर पर, उसमें मना नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार में रहे 60 साल तो इनको करना था, लेकिन उसके बावजूद जो शिक्षा का माहौल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, कमल पटेल के नेतृत्व में आया, और जब जिला मुख्यालय बना और जिले के अंदर जो शिक्षा का नेतृत्व का आया, तो उसका घनत्व देखिए आप, सारे सेक्टर में हरदा के बच्चे बच्चियां शिक्षा के उच्च स्तर पर, आज विदेशों में, दुनिया के कोई भी देश में चले जाइए, हरदा का बच्चा कोई ना कोई मिलेगा आपको, तो शिक्षा की अलग जगाई है हमने। ये भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, ये बताएं मॉडल कॉलेज कब से पड़ा था, कौन ने रोका और कैसे बन रहा है, ये बताएं खिड़कियां में कॉलेज क्यों नहीं खुलवा पाए, या ओवरब्रिज क्यों नहीं खुलवा बनवा पा रहे हैं, खिड़कियां में अंडरब्रिज क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं, ओवरब्रिज क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं। तो ये विकास की सिर्फ थोते बाधे करते हैं, विकास कांग्रेस के ज़माने में हुआ, और कांग्रेस का जैसे बताया हमारे हेमंत भाई ने, बिल्कुल स्कूल प्राइवेट खोली लोगों ने, हमारे राजौरिया जी ने कॉलेज खुलवाया, खिड़कियां जब लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं था तो उन्होंने प्राइवेट कॉलेज खुलवाया और आज चल रहा है वो, ये गवर्नमेंट का एक कॉलेज नहीं खुलवा पा रहे हैं, और ये विकास की बात करते हैं तो इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। कृषि विश्वविद्यालय की जो बात है, आप कृषि मंत्री जी जब कृषि मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे अब गाँव में कृषि विश्वविद्यालय खुलवाएंगे, उसकी बजाय इन्होंने छोटी अरदा में जुए सट्टे का महाविद्यालय खुलवा दिया है, और बाकायदा भाजपा की गाड़ी में भाजपा का लोगो लगा हुआ जुए सट्टे खेलने वाले को रिसीव करते हैं ये लोग, और उनको छोड़ के भी आते हैं। इतना गंदा काम चल रहा है यहाँ पे, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जुआ सट्टा का अड्डा हरदा को इन्होंने बना रखा है। जो खुद व्यक्ति 151 में बंद हो गया, अगर वो ऐसी बात करेगा तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा कुछ कहानी हुई होती, ये व्यक्तिगत बात, मैं अपनी व्यक्तिगत बात सार्वजनिक मंच पर करने की कोशिश करूँ तो गलत बात है। सिंपल सी एक छोटी सी बात ये है, आप भी 2020 में 2021 में वापस हुए, 3 साल के अंदर जिस तरह से अब भी 613 करोड़ जो अपने मंडी निधि से निकले, उसमें 323 करोड़ रुपए की जो रोड्स हैं वो सेंक्शन हुई हैं। अभी माननीय पूर्व विधायक जी बोल रहे थे कि हमारे टाइम पे ओवरब्रिज नहीं बना, आपके टाइम पे बन रहा है, अभी सब कुछ कहानी चल रही है। और जहाँ जहाँ भी जो व्यवस्था है, विपक्ष अपनी मेहनत कर रहा है, हम लोग पूरी तरीके से सत्ता में हैं, हम पूरी तरीके से उसमें समाधान कर रहे हैं, लेकिन कहानी ये है कि जब जब भी बात कमल पटेल जी की आएगी, कमल पटेल जी हरदा के निर्विवाद नेता हैं, वो यहाँ के लोगों की नस रग रग में बसते हैं, वो लोगों की जान में बसते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे हमेशा से जीत रहे हैं और विकास हमेशा से कर रहे हैं। इस सीट पर जो आदिवासी हैं वो भी एक बड़ा वोट बैंक है और बहुत निर्णायक भी इन चुनावों में शामिल हो सकते हैं। आदिवासियों की अगर बात की जाए तो उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं? आदिवासियों की बहुत समस्या है, ये लोग कांग्रेस बीजेपी खाली हरदा का विकास करना चाहती है, गांव का विकास नहीं करना चाहती। आज भी आप रोड की बात कर रहे हैं तो काकड़दा वाली रोड आज भी कच्ची है और वहां के लोग परेशान हैं। मंत्री जी जाते हैं और कई बार वहां पे भूमि पूजन करके आ जाते हैं। गोदलिया गाँव है मंत्री जी का, फर्जी केसों में फंसा रहे। प्लस उसके बाद में हंडिया से मसन गाँव रोड आप देख लीजिए, हंडिया से आदमपुर रोड देख लीजिए, विकास हो रहा है हम मानते हैं,
मगर कुछ जगहों में हो रहा है। और शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, ये विदेश जाके पढ़ रहे हैं बच्चे, तो ये इन लोगों के पढ़ रहे हैं, नेता मंत्रियों के पढ़ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के पढ़ रहे हैं। ये आदिवासियों के बच्चे विदेश एक आध जाए हो और इनने पहुंचाया हो तो बताइए। आदिवासी क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, शहरों में विकास हुआ, गांवों में नहीं हुआ, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। एक बड़ी गंभीर बात भी निकलकर सामने आई कि रोड ना होने की वजह से गर्भवती महिलाओं की मौत तक हो गई, ऐसा कहना है। सारे आदिवासी क्षेत्रों में मैं खुद घुमा हूँ, सारे गाँव गया हूँ। आज प्रधानमंत्री सड़कें प्रत्येक गाँव में पहुँच चुकी है। अगर कोई गाँव इस प्रकार का छूटा हुआ है तो वो छूटा हुआ है जिसको बोलते हैं अपन टांडा, मतलब जहाँ एक की संख्या में, दो की संख्या में परिवार खेतों में बसते हैं, क्योंकि बसीगत जिस स्तर पे होती है तो वहाँ तक भी खेत सड़क योजना के माध्यम से पहुँच मार्ग बन रहा है। आज ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में सड़कें बनी है, क्या कहना है? भाजपा के जितने लोग हैं ना, केवल झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े बताते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। आज 9 महीने नगर पालिका को बने हुए हो गए हैं। आज आप किसी भी वार्ड के अंदर चले जाइए, रोड नाली पूरे खराब पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी सफाई तक नहीं हो रही। इन लोगों से कचरा नहीं उठ रहा है, सवेरे कचरा डाल के जाते हो, 3-3 बजे तक कचरा नहीं उठते। डीजल में इतना भ्रष्टाचार कर रहे, पूछो मत भाई, इतने भ्रष्टाचारी हैं ये लोग कि आप इनका हर चीज में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं एक मिनट, युवा भी हमारे साथ हैं, ये बताइए यहाँ पे अगर स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं मौजूद हैं? अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो वो हरदा में इलाज करा सकते हैं, भोपाल इंदौर जाना पड़ता है? बिल्कुल, पैसे देगा सरकारी हॉस्पिटल में तो डिलीवरी भी होती है पूरा। हाँ, व्यापार 10,000 रुपये एक डिलीवरी का चार्ज है हरदा हॉस्पिटल का, जिसकी रिकॉर्डिंग भी सभी जगह जा चुकी है, पर आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे ज़्यादा आप क्या लोगे? यहाँ पे सिर्फ वसूली के अलावा कोई काम नहीं है। कहीं 30%, कहीं 40%, जो जितना दे दे उतना लिया जा रहा है। हरदा को पूरा लोचा लबूरा जा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में यही कंडीशन है। शहर की अगर व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट की हो, सड़कों की हो, क्या स्थिति आप देखते हैं? स्वास्थ्य की जो बात की जा रही है उसको लेकर, जैसे अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भाई साहब ने बताया कि डिलीवरी में पैसा लग रहा है, तो वहाँ पे जो अभी मैडम बैठी है वो उनका प्राइवेट क्लिनिक है महाराणा प्रताप चौक पे, वहाँ पे अगर आप पहले प्राइवेट 2500 रुपये की सोनोग्राफी कराओगे और पर्सनल इलाज कराओगे मैडम से, तो ही मैडम वहाँ डिलीवरी करती है, नहीं तो बाहर रेफर कर देती है। पार्किंग के नाम पे अवैध वसूली की जाती है। स्वास्थ्य की सुविधा कैसे सुधरेगी? 1 रुपये को बोली 8 में बेच खा रहे हैं, बताओ। तो ये देखिए सर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी गंभीर आरोप लगे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की तो जरूरत है, लेकिन भ्रष्टाचार की बात भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो इस समय हरदा के अंदर है, और हरदा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार स्वास्थ्य व्यवस्था, आज हमारे हरदा का जिला चिकित्सालय है, ये सर्व सुविधायुक्त जिला चिकित्सालय है। आज कोविड के बाद से जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है, आज सारी महंगी से महंगी दवाइयां गरीबों को निःशुल्क मिल रही है, स्टाफ पर्याप्त मात्रा में। देखिए, विपक्ष सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, वो कांग्रेस के नेता लोग झूठ में इतने माहिर हैं कि इनके झूठ की कोई परिकल्पना कर ही नहीं सकते आप जैसे अभी किसानों की बात कर रहे थे, आज ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की आय दोगुनी होने से का काम माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने किया है। सर, आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या बात रखेंगे, क्या मुद्दे होंगे जिन पे आप वोट मांगेंगे इस बार? देखिए, जनता के बीच में आपने देखा है, कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, हमारा वचन पत्र जारी किया है, उसमें आपने देखा है बिजली के लिए बिजली 100 यूनिट तक माफ, 200 तक हाफ, महिलाओं को 1500 रुपये का नारी सम्मान योजना के अंतर्गत लाभ, इसके साथ ही आपने तो किसानों का ऋण माफ, पहले भी हमने माफ किया है, झूठ बोलते भाजपा के लोग, और ये कृषि मंत्री कमल पटेल ने वहाँ विधानसभा में भी स्वीकार किया, इसके बाद भी यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। किसान का ऋण माफी पर जाएंगे हम, और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारी आ रही है। क्या बात जनता के बीच रखेंगे जब जनता के बीच जाएंगे अब वोट लेने? जनता के बीच में विकास को लेकर जाएंगे। कांग्रेस के राज में 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी, आज हरदा जिले का एक भी गाँव ऐसा नहीं है जहाँ डामरीकर सड़क नहीं है। हर 543 में से 543 गाँव में आज नल जल योजना का काम चालू है। आज हरदा जिले के अंदर 132 का एक सब स्टेशन था, आज 5 सब स्टेशन है, 9 छोटे सब स्टेशन थे, आज 43 सब स्टेशन है। 1000 किलोमीटर गांव में केबलिंग का काम हो रहा है, 11000 केवी का 345 किलोमीटर का नया केबल का काम हो रहा है। हर गांव में जहां देखो वहां विकास, हर 4 किलोमीटर पर चौकड़ी की सड़क है। विकास कांग्रेसियों को देखना तो गाँव में जाके देखे, जितने कांग्रेस के नेता हैं उनके गांव में सड़क भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, उनके गांव। तो देखिए, ये बीजेपी कांग्रेस जयस आम आदमी पार्टी के लोग हमारे बीच थे और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच ये प्रतिनिधि पहुंचने वाले हैं। बहरहाल देखना होगा कि महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हरदा की जनता इस बार अपना भरोसा किस पर जताती है।
विधानसभा आपकी जनता आपसे कितना संतुष्ट? मेरी जनता को मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरी जनता भी मुझे बहुत प्यार करती है और बहुत विश्वास और आशीर्वाद देती है, इसलिए मैं 1993 से यहाँ विधायक हूँ और यहाँ का विकास और यह तहसील थी इसको हमने जिला बनाया और हम जो कहते हैं वो करते हैं और इसलिए जनता में हमारी विश्वसनीयता है, जो कहा सो किया। और हरदा को जिला बनाया, हरदा खिड़किया तहसील असिंचित थी, उसको तवा नहर का पानी पहुँचा है माचक पार, फिर रेलवे लाइन के पार, और पहला जिला है मध्य प्रदेश का हरदा जो 100% सिंचित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैंने घोषणा कराई और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी हमने 3,500 करोड़ की गंजाल मोरन डैम स्वीकृत करा दिया, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया और अब शुरू होने वाला है काम। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके पहले 50 साल रही, लेकिन हरदा खुर्द 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी, बेरागढ़ तो लगा लगा सड़क नहीं, घुटने घुटने कीचड़ होते थे। आज हमने कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ सड़कें नहीं हैं और एक तरफ नहीं चौकड़ी बना दी, एक एक गांव में 5-5, 6-6 तरफ से सड़क जोड़ दिए। अब हमारा लक्ष्य किसान के खेतों तक की सड़कें बनाना और इस बार हम मंडी बोर्ड की राशि से हर किसान के खेत में सड़कें बना रहे हैं। और ब्रिज 50-55 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी हमने आज ही मैंने 25 करोड़ के 5 ब्रिज स्वीकृत किए हैं, जिसमें एक अपना नर्मदापुरम जिले को जोड़ेगा शिवपुर अपने धौलपुर ऋषि जो 7 करोड़ 81 लाख का है, एक नांद्रा में नदी यह रपटा है लेकिन बड़ा ब्रिज बनेगा, एक 2 तहसीलों को जोड़ेगा हरदा तहसील को और सिराली तहसील को मगरदा में रतनपुर में, वो भी 4 करोड़ से ऊपर का है, एक खंडवा जिले को जोड़ेगा। और इस प्रकार अभी बाकी और पुल के हमने एस्टिमेट बनाए वो भी स्वीकृत कर रहे हैं। शहर नगर पालिका भी बहुत खूबसूरत हरा भरा हरदा खूबसूरत हरदा बनाया है और जनता ने रिंग रोड भी कर दी, 15 करोड़ की हमने एक रिंग रोड दे दी। सबसे बड़ी समस्या थी हरदा की वो थी रेलवे डबल फाटक, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमको एक झटके में सब मिल गया। हरदा जिले में अब 7 रेलवे ब्रिज बन रहे हैं, अभी बैतूल हरदा नागपुर, बैतूल हरदा इंदौर 4 लेन अहमदाबाद, उसका ब्रिज बनकर तैयार होगा इसी महीने, हम 1 महीने में चालू करेंगे उसको, 4 लेन रोड हो गया। रेलवे स्टेशन यहाँ का डबल फाटक में हर बार जाम लेता था, 65 करोड़ की राशि हमने स्वीकृत करा दी और एक पैदल का भी 10 करोड़ का और 25 करोड़ की 100 करोड़ रुपये हरदा रेलवे स्टेशन पर खर्च होंगे। इसके बाद में जितने भी आपका मसन गाँव कमताड़ा हो, चाहे भिरंगी गेट हो, खिड़किया का हो या टिमरनी का हो, सब स्वीकृत हो गए हैं। जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 5 साल के अंदर 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में कर दिए हमने और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किए हैं और इसलिए जो कहा वो किया, विकास किया है। जनता ने ये मांग की है कि कृषि महाविद्यालय भी होना चाहिए क्योंकि बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र है आपका। बिल्कुल, कृषि महाविद्यालय से ज़्यादा जरूरी है, यहाँ कृषक उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं तो वो हमने स्वीकृत कर दिया हरदा में। इसराइल के सहयोग से मैं इसराइल दूतावास गया, वहाँ के एम्बेसिडर से मिला, वहाँ के वैज्ञानिकों से मिला, उनको हरदा निमंत्रण दिया, वो हरदा आए, हमने ज़मीन दिखाई और 35 हेक्टर 105 एकड़ ज़मीन हमने उपलब्ध करा दी और एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्वीकृत हो गया है और वो बनेगा, जिससे किसान वो बनेगा हार्टिकल्चर में, मतलब सब्जियाँ और फल, जिससे वहाँ ट्रेनिंग देंगे सिर्फ हरदा ही नहीं पूरे आसपास के जिलों के प्रदेश के, और हमारे किसान जो पढ़े लिखे युवा है वो खेती उससे सीखेंगे तो जो 20 एकड़ में कमाते वो 1 एकड़ में कमाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। कॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन कॉलेज में कोई ज़रूरी नहीं कि हरदा के बच्चे पढ़ेंगे, तो बाहर के बच्चे पढ़ के आते जहाँ के रहते हो, क्योंकि उसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, ऑल इंडिया लेवल पर होता है, प्रदेश लेवल पर होता है, तो इसलिए उससे ज़्यादा ज़रूरी सेंटर ऑफ एक्सलेंस है और मध्य प्रदेश में कुल ये 3रा खुल रहा है। विपक्ष के लोगों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से कहा कि 2018 में कर्ज माफ हमने किया था, 23 में भी करेंगे, एक बार फिर उसी वादे को लेके अब जा रहे हैं जनता के बीच में। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को और ठगनाथ और झूठनाथ को ये कहना चाहता हूँ कि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो गई। इन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, राहुल गांधी ने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कसम खा के, उन्हें तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन 1-2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ और 15 महीने रहे कलंकनाथ ठगनाथ झूठनाथ लेके हटा नहीं पाए, और इसलिए अब राहुल गांधी नहीं आ रहा, बहन को भेज रहा है, क्योंकि पहले झूठ बोल चुके हैं, अब किस मुँह से आएंगे, अब बहन कह के जा रही तो ये भी नहीं आएगी अगली बार झूठे, और इसलिए कोई इनकी सरकार बनना ही नहीं है, क्योंकि अब जनता के साथ धोखा किया तो जनता ने धक्का दिया। उपचुनाव में देखा जो कांग्रेस के विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों ने मंत्री ने इस्तीफा देकर भाजपा में आए और फिर चुनाव लड़ा, तो तुलसीराम सिलावट जी कांग्रेस में थे तो 5,000 से जीते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो 54,000 से अधिक से जीते।
रायसेन से प्रभुराम चौधरी जी 65,000 वोट से जीते, हजारों 54, 55, 56,000 से, ये जो जो 2-5 हज़ार से जीते थे कांग्रेस में थे। इसका मतलब है कि कांग्रेस से जनता कितनी नाराज थी, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने किसानों को धोखा दिया, इन्होंने युवाओं को कहा कि रोजगार देंगे नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चराने वाले को 4,000 देंगे लेकिन एक को नहीं दिया, महिलाओं के समूह से कहा था कि रेगुलर तुम्हारे बैंक प्राइवेट हो या सरकारी सब कर्जा माफ कर देंगे, एक का नहीं किया। इन्होंने विधवाओं और दिव्यांग और वृद्ध को नहीं छोड़ा, उनसे कहा था 1,000 पेंशन करेंगे, नहीं किया। दैनिक वेतन भोगी वाले उसका रेगुलर कर देंगे, एक को नहीं किया। सिर्फ 18 महीने सिवा भ्रष्टाचार के कुछ किया नहीं, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया। हाँ, एक काम किया, किसानों के लिए समय नहीं, गरीबों के लिए समय नहीं, मजदूरों के लिए समय नहीं, लेकिन ठगनाथ को, झूठनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद 80 साल की उम्र के बाद में आईफा अवार्ड कराने के लिए इनके पास 700 करोड़ था। किसान का 1 रुपया बीमा नहीं दिया इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ किसानों की बात करने वाले, 15 महीने में तुमने 18 का 19 का 1 रुपया बीमा नहीं दिया, क्यों? क्योंकि प्रीमियम नहीं भरा। और इसलिए पूरा देश और पूरा प्रदेश और गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी, सिर्फ झूठ बोलना। देखो, पहले घोषणा पत्र होता था, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के नेता जब इकट्ठे हुए बैठे तो उन्होंने कहा अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई, अपन ने आज तक कौन सी घोषणा पूरी की है, इसलिए घोषणा पत्र ना लाओ, वचन पत्र लाओ। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, भारत की जनता भगवान राम को मानती है और वचन पे विश्वास करेगी और धोखे में आ जाएगी, और इसलिए षड्यंत्र करके इन्होंने वचन पत्र लाए, लेकिन एक भी वचन पूरा नहीं किया, और इसलिए जनता की बद्दुआएं लगी तो बीच में ही हट गए। और इसलिए अब जनता इतनी जबरदस्त धक्का देगी कांग्रेस को कि कांग्रेस का सफाया और भारतीय जनता पार्टी का कमल हर जगह खिलेगा और 200 से ज्यादा सीट भाजपा मध्य प्रदेश में जीतेगी। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ थे, उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ने सभी तरफ विकास के काम किए हैं, चाहे किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, उनको रोजगार देने का काम किया है और जनता का विश्वास भाजपा के साथ है और यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। बहरहाल देखना होगा कि कमल पटेल के दावे पर जनता कितना भरोसा जताती है और 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होते हैं।